वेलकम बैक लेट्स कंटिन्यू मैथमेटिकल फिजिक्स विथ मोमेंट ऑफ़ इनर्सिया राइट मोमेंट ऑफ़ इनर्सिया देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे एक दो क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में अब बहुत सिंपल होता है आप इसको एलेवंथ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो हम लोग जस्ट इसका कुछ डेफिनेशन देखेंगे और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेंगे ताकि हमको एम में फिर उसका दिक्कत ना हो राइट right. तो so, देख ले देख लेते हैं यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है देख सकते हो द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसिस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्स क्या होता है जैसे मान लो कि कोई मेरे पास में कोई रिजिड बॉडी ओके okay? और ये जो है रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इसके सेंटर से पास करता है इसके इस एक्सिस के अबाउट में ये रोटेट कर रहा है जो इसके सेंटर से पास करता है देख पा रहे हो राइट right? अब मैं सपोज़ करता हूँ कि ये जो रिजिड बॉडी है इसमें डिफरेंट मासज़ है ओके okay? इसमें जो डिफरेंट पार्टिकल्स है उसका मास एम वन एम टू एम थ्री इस तरीके से सपोज कर लेते हैं लॉट ऑफ पार्टिकल्स हैं और इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो आर वन आर टू आर थ्री रिस्पेक्टिविली है तो इस केस में एक पार्टिकल का अगर हम बात करें तो एक पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए पार्टिकल इज़ ये फॉर्मुला हो गया अब सारे पार्टिकल का आप ऐड कर दोगे राइट तो ये क्या निकल जाएगा ये पूरे बॉडी का पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकल जाएगा क्लियर है जी तो इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं अब मान लो कि आपको जो है कंटिन्यूस नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है और आपको रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है तो उसका तरीका आपने एलेवंथ क्लास में पढ़ा था क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ये करते हैं ना कि किसी एक पार्टिकल को ले लेते हैं राइट right? उस पार्टिकल सपोज सब, करो ये देखो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है एक एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करते हैं तो फिर उस एलिमेंट्री पार्टिकल का हम लोग क्या करते हैं जो है स्मॉल मास निकाल लेते हैं राइट right? तो स्मॉल मास निकालने का तरीका पता है आपको डेंसिटी आपको दिया हुआ रहता है यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको पता रहता है तो आप जो है डीएम निकाल लेते हो यानी स्मॉल मास निकाल लेते हो और फिर आप क्या करते हो कि अगर ये एलिमेंट्री पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर आर डिस्टेंस पे है आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है देन हम लोग क्या करते हैं हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम राइट तो आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम लेते हुए यहाँ पे जो आपका मास uh, है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है ठीक है ये जो डेरिवेटिव है तो ये आप यहाँ पर ले लेते हैं और पूरा इसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है ये हम लोग पूरा पहले पढ़ चुके हैं राइट right? तो अभी हमको निकालने का, का पर्पज नहीं है अभी जस्ट हमको कुछ मोमेंट ऑफ एनर्सिया को क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा तो देखो इसी में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका रेडियस ऑफ जयरेशन वाट इज रेडियस ऑफ जयरेशन इफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई ऑफ द बॉडी ऑफ मास एम अबाउट एक्सिस इज रिटेन इन फॉर्म आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर क्या बोल रहा है कि जो भी मोमेंट ऑफ एनर्सिया है आपका जिस भी एक्सिस के अबाउट में उसको आप क्या करो उसको आप एम के स्क्वायर ले लो राइट right? के स्क्वायर लेंगे तो यहां पे जो के का वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या होगा वो कहलाएगा रेडियस ऑफ जारेशन ऑफ द बॉडी अबाउट द गि एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट में आपने मोमेंट ऑफ इनर्सिया लिया था उसी एक्सिस के अबाउट में ये आपको रेडियस ऑफ कहलाएगा ये होता क्या है इट रिप्रेजेंट्स द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द गिन एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द इंट्रीज वेयर द इंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड सो दैट इट्स रोटेशनल इनर्सिया रिमेंस अनचेंज राइट तो जैसे मान लो ना कि पूरा कोई रिजिड बॉडी है ओके okay? रिजिड बॉडी है अब इसमें मैं कोई एक ऐसा जो है डिस्टेंस चूज करूँगा कोई ऐसा पॉइंट चूज कर लूंगा कि जिस पॉइंट को चूज करते ही क्या हो जाए कि जो इसका रोटेशनल uh, इनर्सिया है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े मतलब कि ये जिस तरीके से ये रोटेट कर रहा था अबाउट द एक्सिस ठीक है अगर मैं कोई एक ऐसा पॉइंट जिसका सेम रोटेशन होगा ठीक है मतलब इसका रोटेशनल इनर्जिया जो है वो चेंज नहीं करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा जो मास है वो आ करके इस पॉइंट पर कंसनट्रेट हो गया है सो देट के ऐसा हो रहा है अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो जाते हैं देन जो ये डिस्टेंस मिलेगा हमको फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ जारेसन बोलेंगे राइट right? तो ये क्या है ये जिस पॉइंट को चूज़ किया जाता है तो वो क्या होता है वो पॉइंट आपका इंटायर मास को कवर करता है सारा मास इसमें कंसंट्रेट हो जाता है राइट अब इसके को निकालते कैसे हैं तो देखो सपोज जैसे मान लो कि मैं बात कर लेता हूँ रेडियस ऑफ जारेशन फॉर द सॉलिड स्पेयर अबाउट द एक्सिस ओके तो सॉलिड स्पेयर का अबाउट एक्सिस देखो ये सॉलिड स्पेयर सपोज़ करो सॉलिड तो स्पेयर का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो क्या होता है वो होता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर तो हम इसको क्या करेंगे इसको हम एम के स्क्वायर के बराबर ले लेंगे यहाँ से एम MM एम कैंसिल होगा तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा टू बाई फाइव आर तो यानी तो देखो अगर ये मेरा पूरा रेडियस आर था सपोज करो ठीक है तो आर रेडियस के लिए जो आपने निकाला था तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ ऑब्जारेशन है वो क्या है वो रूट टू बाई फाइव आर है आप देख सकते हो कि आर से ये कितना छोटा वैल्यू है राइट तो समवेयर कहीं पे है तो बल्कि बहुत नियर बाई है बिल्कुल क्लोज टू द एक्सिस है चूंकि ये वन से बहुत स्मॉलर है तो आर का वैल्यू जो है काफ़ी स्मॉलर है आ, राइट तो आप कह सकते हो कि नियर बाई एक्सिस है तो ये आपका पॉइंट क्या होगा आ, ये जो लेंथ आपका ये रेडियस ऑफ ऑब्जारेशन कहलाएगा कि आ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल मास जो है वो कंसनट्रेटेड है पूरा सॉलिड स्फेयर का राइट तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं और अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर याद रखना पड़ता है फॉर्मूलाज को तो देख लो जैसे देखो सॉलिड सिलेंडर है या डिस्क बोलो ठीक है तो डिस्क का याद करना आपको हाँ कि डिस्क का या बोलेंगे क्या या सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया मूवमेंट ऑफ इनर्सिया किसके अबाउट में अबाउट सिमेट्रिकल एक्सिस यानी ऐसा एक्सिस जो जो है इसका सेंटर से पास करता है और देख लो इस तरह से ठीक है तो जो इसका सिमेट्री है उसके अलांग है ये एक्सिस तो उसमें क्या होता है उसमें जो आपका मोमेंट ऑफ एनर्जिया होता है वो होता है वन बाई टू एम आर स्क्वायर अब अब याद कर लेना है ठीक है क्लियर है अच्छा हुप अबाउट सिमेट्रिकल एक्सिस हुप बोलिए या बोलिए रिंग रिंग का भी यही मोमेंट ऑफ एनर्जिया होगा और हुप का भी यही होगा अबाउट द सिमेट्रिकल एक्सिस सॉलिड स्पेयर का भी मैंने आपको बता दिया ये होता है अबाउट सिमेट्रिकल एक्सिस ओके अच्छा अब यहाँ पर ये यह देखो थिन स्फेरिकल सेल थिन स्फेरिकल सेल का क्या होगा टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर ओके ये हो जाएगा जी तो ये आपको याद रखना है अच्छे से अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है तो देखो ऊपर में और नीचे में देखोगे थोड़ा सा फर्क है मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है जैसे देखो ये ऊपर में सॉलिड सिलेंडर था आपका लेकिन सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट में था यहाँ पर भी सॉलिड सिलेंडर है बट सेंट्रल डायमीटर के अबाउट में मतलब ये सेंट्रल डायमीटर लाइन है इसके अबाउट में अगर ये रोटेट करता है तो क्या होगा फार्मूला तो ये होगा वन बाई फोर एम आर स्क्वायर प्लस वन बाई ट्वेल्व एम एल स्क्वायर राइट ये आपको याद रखना है जहाँ एल क्या है एल इसका लेंथ है और डेफिनेटली आर क्या है आर इसका रेडियस है राइट right, सही है चलो अब देखो यहाँ पे फिर से देखो हुप अबाउट डायमीटर अब यहाँ पे आपने जो है अबाउट सिमेट्रिकल एक्सिस लिया था जो कि सेंटर से पास कर रहा था तो ये होता है ठीक है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अब यहाँ पे अगर आप अबाउट डायमीटर लेते हो तो अबाउट डायमीटर लोगे तो हाफ हो जाएगा ये ध्यान देना ये रिंग के केस में भी होगा तो और रिंग तो रिंग के लिए भी यही होगा राइट right? ओके okay? अच्छा अब देखो ये है आपका रॉड तो रॉड का अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस है तो वो क्या होता है आ, वन बाई ट एम एल स्क्वायर होता है और अगर मैं बात करूँ स्लैब का ठीक है स्लैब जिसका के लेंथ क्या है एल है सपोज करते हैं कि इसका लेंथ क्या है जी एल है राइट तो अगर ये इस तरह का कोई स्लैब है तो इसके जो सेंटर से पास कर रहा है इसके अबाउट में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा वो होगा हमारा वन बाय थ्री एम एल स्क्वायर ओके क्लियर है अब तो ये सब रिज़ल्ट आपको याद रखना है कुछ और भी रिजल्ट है उसको भी देख लो आप आ, लेकिन कुछ तो रिपीट करेगा जैसे ये सब देखो ये सब रिपीट कर रहा है ये सब मैंने आपको बता दिया ठीक है ये भी बता दिया आपको मैंने तो जो नया है बस उसको देख लो तो यहाँ पर तो सारा ही रिपीट कर रहा है ये सब ऊपर आ गया तो इस सबको अब नहीं देखने की जरूरत है अब देखो नीचे में यहाँ पर कुछ और मोमेंट ऑफ एनर्जी है जैसे ये अगेन आप देखोगे कि ये जो है ना ये दोनों रॉड है ठीक है दोनों रॉड का केस है ये स्ट्रेथ रॉड है ये आपका सिलेंडर रॉड है दोनों सिलेंडर रॉड ही है एक्सिस थ्रू सेंटर पास कर रहा है एक्सिस थ्रू वन इंड पास कर रहा है तो यहाँ पे आप देखो कोई एक भी आपको याद रहेगा तो आपको इजीली जैसे अगर आपको ये सेंटर वाला याद है तो इंड वाला तो आप निकाल सकते हो बाई पैरल एक्सिस थ्योरम उसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सिंपली इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जो सेंटर का आपको पता है तो सेंटर में फिर ये डिस्टेंस क्या होता है एल बाई टू होता है तो प्लस आप क्या ऐड कर देंगे एम एल बाई टू का स्क्वायर फार्मूला से इसको आप सोल्व करोगे तो एग्जैक्टली exactly यही आएगा ठीक है अब देखो तो रेक्टेंगुलर प्लेट है अगर ए और बी और सेंटर से कोई पास कर रहा है देन उसका ये होता है ठीक है अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है मान लो और उसके एज से ये जो ब्लू लाइन दिया हुआ है एज अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उसका फिर ये होगा ठीक है आप देखो सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा क्योंकि बी तो पैरेलल है तो बी पे डिपेंड नहीं करेगा राइट इसी तरीके से आप कुछ और फॉर्मूला देख लो जैसे हालो सिलेंडर है अगर मान लो हॉलो सिलेंडर इस तरह का है दो रेडियस है इनर आर वन और आर टू है तो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट जो इसके सेंटर uh, से पास कर रहा है तो वो क्या होगा मोमेंट ऑफ एनर्जिया ये होता है सॉलिड के लिए अच्छा देखो ये सॉलिड सिलेंडर है ध्यान देना ना तो इसके लिए वन बाई टू एम आर स्क्वायर होगा थिन वाल्ड हॉलो सिलेंडर है तो ये होगा सॉलिड स्पेयर का हम लोग देख चुके हैं हलो स्पेयर का भी हम लोग देख चुके हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखनी है राइट अब हम लोग जो भी देखते हैं तो वी एज वी नोट इन द टेबल एबव द मोमेंट ऑफ एनर्जिया डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाट एवर वी हैव कैलकुलेटेड सो फार द मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ दोज ऑब्जेक्ट वेन एक्सिस इज पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास देखो ये क्या बोल रहा है ना कि ऊपर आप जितना भी देख रहे हो ना तो वो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर मोमेंट ऑफ एनर्सिया पता है आई का मतलब क्या होता है का मतलब होता है एम ऑफ आई वोमेंट ऑफ़ इनर्सिया अबाउट अबाउट सेंटर ऑफ मास ओके सी का मतलब क्या हो गया सेंटर ऑफ मास तो अगर सेंटर ऑफ मास ये अब पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है एलेवंथ क्लास में आप पढ़े होंगे कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पता है तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट में जनरली सिमेट्रिक सरफेस में ये सेंटर पे होता है ठीक है अगर सिमेट्रिकल सरफेस लाइक स्फीयर है हॉलो एस्फेयर है ठीक है सॉलिड uh, सिलेंडर है तो वो उसके सेंटर को ही हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं लेकिन अगर कोई uh, जो है अनसिमेट्रिकल रिजिड बॉडी है तो उसमें आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है ये आपका पूरा पैटर्न है तो बोल रहा है कि अगर सेंटर ऑफ मास से आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता है ना तो आप किसी और एक्सिस के थ्रू इजीली निकाल सकते हो यूजिंग टू टू थियोरम पैरल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम राइट देख लो क्या है पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि मान लो आपको आईसीएम पता है यानी सेंटर ऑफ मास मान लेता हूँ यहाँ पे है इससे जो पास कर रहा है एक्सिस उसके अबाउट में आपको मोमेंट ऑफ एनर्सिया पता है तो उसके पैरेलल में अगर कोई एक्सिस है जो इससे डी लेंथ पर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली क्या होगा यूजिंग दिस फार्मूला वेयर डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस राइट अब देखो जैसे रॉड की मैं बात कर रहा था तो अगर मैं रॉड की बात करूँ तो रॉड में क्या होता है जो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है ठीक है वो तो इसके सेंटर पर होता है तो ये अगर पता है आपको ये सेंटर ऑफ मास हो गया तो ये हमको पता है ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर इसका लेंथ एल है ये क्या होता है तो ये होता है वन बाई टूवेल्व एम एल स्क्वायर ओके अब आपको ये पता है तो आपको अगर इंड से निकालना है सपोज करो आपको इसके अबाउट में निकालना है इसके अबाउट में क्या करेंगे सिंपली इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा ये एल बाई टू होगा चूँकि पूरा लेंथ एल है ये हाफ होगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे सी एम वाला ले लेंगे जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला है और प्लस इसमें एम डी स्क्वायर यानी एम एल बाई टू का होल स्क्वायर को आप ऐड कर दीजिएगा तो देखो वैल्यू क्या आ जाता है वन बाई ट्व एम एल स्क्वायर प्लस वन बाई फोर एम एल स्क्वायर अब यहाँ पर आप एल सी एम लोगे तो ट्वेल्व आ जाएगा यहाँ पर आपका वन प्लस थ्री अगेन आएगा एम एल स्क्वायर राइट ऊपर में फोर आ रहा है तो ये फिर से वन बाई थ्री एम एल स्क्वायर तो यही होता है अबाउट द एंड तो आप लोग को याद है इस तरीके से देखो काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर पाओगे राइट इसी तरीके से देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है ना कि अगर आपको दो एक्सिस का पता है जैसे अबाउट जैसे देखो यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है इसमें अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट जेड एक्सिस तीन एक्सिस है तो बोलता है जो जेड एक्सिस के अबाउट में ठीक है आई जेड जेड का मतलब क्या है माइनस जेड से प्लस जेड तो जेड जेड यानी जेड एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा वो तो सिंपली क्या होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्सिया का सम होगा दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यानी अगर तीन मुचबली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हो तो तीसरा वाला जो भी परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसका मोमेंट उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा सिंपली सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा अबाउट द अदर टू परपेंडिकुलर एक्सिस राइट ये यहाँ पे बोल रहा है सब आपको याद रखना है बहुत आसानी से आप इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी मजा आएगा ओके यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि आई एक्स और आई वाई वाई ये जो है प्लेनर मोमेंट ऑफ इनर्सिया चूँकि एक ही प्लेन में है और आई जेट जेट चूँकि परपेंडिकुलर है तो इसको हम क्या बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ एनर्जिया बोलते हैं ठीक है तो ये भी आप छोटा सा नोट है आप याद रख सकते हो अब देखो जो हम लोग ये देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का, का काफ़ी यूज़ है सेंटर ऑफ मास बोलो या बोलो सेंटर ऑफ ग्राविटी ओके तो सेंटर ऑफ मास यानी जहाँ पे मास सेंटर्ड रहता है पूरा बॉडी का या सेंटर ऑफ ग्राविटी ठीक है यानी कि जहाँ पर टोटल नेट ने ग्राविटी फोर्स लगेगा तो दोनों एक ही नाम है सेंटर ऑफ फोर्स बोलो या सेंटर ऑफ मास बोलो या सेंटर ऑफ ग्राविटी बोलो तो इसका लोकेशन भी आप याद रखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होता है एग्जाम में तो सर बी सम सेटेंट लोकेशन देख लो आप जैसे देखो ट्राइंगल ट्राइंगल में जो सेंटर ऑफ ग्राविटी होता है देखो, ना सी एम या सी जी वो यहां पे होता है और आप इसको याद रखो ये काफी हेल्प करेगा आपको अगर इसका हाइट एच लेते हैं तो ये बेस से एच बाई थ्री हाइट पे होता है ठीक है और अगर इधर से देखोगे तो इधर से ये बी बाई थ्री पे होगा तो इसका इस तरीके से आप इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो जैसा भी आपको यूज पड़ेगा ना आप निकाल पाओगे राइट तो इस एक्सिस से अगर इस एक्सिस के अबाउट में काम कर रहे हो तो सी जी बी बाई थ्री पे ओके और अगर हम लोग जो है मान लो इस एक्सिस पे काम कर रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस तो यहाँ से ये यह क्या है एच बाई थ्री पे ही आपको दिख रहा होगा ठीक है चलो तो इसी तरीके से आ, कौन में देख लो कौन में कौन में अब देखोगे अगर इसका हाइट एच है तो बेस से एच बाई फोर हाइट पे होता है जी तो ऊपर से अगर निकालना होगा तो थ्री एच बाई फोर बचेगा ठीक है जैसा यूज़ होगा वैसा आप यूज़ कर सकते हो इसको याद कर लो ठीक तो है पूरा पी आपको मिल जाएगा कोई इशू नहीं है अच्छे से भी देखते जाओ अब देखो यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट इसका एक्स बार वाई बार है सेंटर ऑफ ग्राफिटी का तो इसका एक्स बार का वैल्यू वन बाई टू भी होगा और वाई बार का वैल्यू भी वन बाई टू भी होगा राइट अगर ये आपका बी है आ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि ये बी है ये डी है ठीक है इसको मैं डी ले लेता हूँ ये वाला लेंथ को यहाँ से यहाँ तक और ये लेंथ आपका बी है तो एक्स बार तो आपका वन बाई टू बी होगा और वाई वायर जो है वन बाई टू डी होगा ये आप ध्यान दीजिएगा ठीक है कोऑर्डिनेट इसका ये बन जाएगा अब यहाँ पर देखो क्वार्टर सर्कल के लिए अगर रेडियस आर है तो ये तो एरिया हो गया क्वार्टर सर्कल का कोऑर्डिनेट आपको ये मिलेगा फोर आर बाई थ्री पाई फोर आर बाई थ्री पे राइट अच्छा सॉलिड हेमीस्फेयर देख लो इसमें अगर रेडियस इसका आर है आर अगर रेडियस है हेमीस्फेयर का तो इसके लिए जो है ये जो प्लेन कट होगा सेंटर पे ठीक है अबाउट द डायमीटर वहाँ से थ्री आर बाई एट के हाइट पर होता है तो ऊपर वाला आप निकाल सकते हो आप ऊपर वाला क्या हो जाएगा यहाँ से अगर निकालोगे तो आर माइनस थ्री आर बाई एट आ जाएगा यानी कि आपका क्या आ जाएगा फाइव आर बाई एट तो जैसा यूज़ होगा वैसा हम लोग यूज़ कर लेंगे राइट अब देखो कुछ लास्ट में कुछ और भी मोमेंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है उसको भी याद कर सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग तो ये तो मैंने पहले भी बताया आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर अगर रिंग है ठीक है और एक्सिस क्या है परपेंडिकुलर टू प्लेन है थ्रू इट्स सेंटर यानी ये एक्सिस है इस तरह से ओके तो इसमें जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया होता है वो एम आर स्क्वायर होता है तो ये रिंग का हो गया ये आप पहले भी देख चुके हैं ठीक है चूँकि रिंग का आता है बहुत ज़्यादा इसलिए मैं इसको अलग से बता दे रहा हूँ अब यहाँ पर देखो अगर डायमीटर मान लो कि यही रिंग है बट हमको क्या मतलब हम, बट हमको डायमीटर के लॉन्ग पूछ दिया है कि इसके अबाउट में ये मूव कर रहा है ठीक है तो डायमीटर के अलांग में करेगा तो ये आधा हो जाएगा ओके अब जो सर्कुलर डिस्क इसी तरीके से अगर डिस्क है और डिस्क मान लो ये पूरा डिस्क मतलब ये पूरा एरिया है इसमें ठीक है और ये अगर मान लो इस एक्सिस से पास इस एक्सिस के अबाउट में रोटेक्ट करता है जो तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है थ्रू इट्स सेंटर तो ये एम आर स्क्वायर बाई टू होगा लेकिन जहाँ फिर से आप इसको ले गए डायमीटर के अबाउट में तो जैसे रिंग में हुआ था ना रिंग में क्या हुआ था हाफ हो गया था अगेन ये इसका हाफ़ हो जाएगा यानी एम आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा ठीक है सॉलिड सिलेंडर का अगेन तो देखो एम आर स्क्वायर बाई टू होता है एक्सिस ऑफ सिलेंडर के अबाउट में सॉलिड सिलेंडर है मतलब पूरा सॉलिड है ठीक है तो अगर आप एक्सिस ऑफ के अबाउट में लोगे तो ये होगा ओके अच्छा अगर, अगर हॉलो सिलेंडर है हॉलो अगर है तो हॉलो में लेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये आपका हॉलों में एम आर स्क्वायर होगा तो ये एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर वाइट में बहुत कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं सारा एम आर स्क्वायर को यहाँ पर जमा कर दिया हूँ इसको आप अलग से याद कर लो तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा राइट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे आई होप आपको ये पहले से याद होगा बट मैंने आपको रिकॉल करा दिया अब जब इसको हम लोग एम सी क्यूज देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल एम सी क्यू नहीं आता डेफिनेटली तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर था इसको आप अच्छे से कर लो तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो यहाँ पे आपको पीडीएफ आसारा एफ सारा सिस्टमेटिक लर्निंग मिले तो आप उसके लिए मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक थैंक यू वेरी मच